एनसीईआरटी की डुप्लीकेट कॉपी करने वाले दुकानदारों पर रेड की गई है। देखिए सीएम फ्लाइंग की टीम ने ये छापेमारी कर एनसीईआरटी की डुप्लीकेट कॉपी करने वाले दुकानदारों पर शिकंजा कसा है। सदर बाजार में आधा दर्जन दुकानों पर छापा मारा गया है। एनसीईआरटी के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की गई है। बड़ी मात्रा में एनसीईआरटी की डुप्लीकेट किताबें भी बरामद हुई हैं। देखिए ऐसी सूचना मिली थी कि एनसीईआरटी की डुप्लीकेट कॉपियां किताबें जो हैं वो बेची जा रही हैं, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग की टीम ने ये छापेमारी की और सदर बाजार में आधा दर्जन दुकानों पर छापा मारा। मेरे सहयोगी संजय राठौर मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी देने के लिए। संजय, कैसे इस बात की जानकारी हुई और किस तरह से ये जो कार्रवाई है वो की गई है? बिल्कुल सृष्टि, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार सीएम फ्लाइंग की टीम को लगातार सूचना मिल रही थी जिस तरीके से आप एडमिशन हो रहे हैं, तो उससे पहले कहीं ना कहीं गुरुग्राम के सदर बाजार में आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों पर सीएम फ्लाइंग और एनसीईआरटी की जो टीम है उनकी संयुक्त टीम ने आज रेड किया और रेड में पाया गया कि वहां पर एनसीईआरटी की जो किताबें हैं वो कहीं ना कहीं वो जो किताबें, आपकी वॉइस यहाँ पर ब्रेक हो रही है, आपसे दोबारा संपर्क हम साधने की कोशिश करते हैं। तब तक ये जानकारी दर्शकों को एक बार दे दें फिर से कि देखिए एनसीईआरटी की डुप्लीकेट किताबें जो हैं वो बेची जा रही थी और ऐसे दुकानदारों पर रेड की गई है और सदर बाजार में आधा दर्जन ऐसी दुकानें हैं जिन पर रेड की गई है। एनसीईआरटी के साथ मिलकर ही सीएम फ्लाइंग की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, यानी कि अभी भी इस तरह की जो छापेमारी है वो अभी जारी है। और ये सीधी तस्वीरें किस तरह से सीएम फ्लाइंग की टीम और एनसीईआरटी की टीम जो है वो यहाँ पर एक्शन ले रही है। संजय, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी बिल्कुल सृष्टि, मैं बताना चाहूंगा क्योंकि जिस तरीके से ये हाल ही में तमाम स्कूलों के रिजल्ट आए और रिजल्ट के बाद कहीं ना कहीं नए एडमिशन और नए एडमिशन के साथ न्यू सेशन की जो किताबें हैं वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को अपने बच्चों को दिलानी है और उसी के चलते कहीं ना कहीं एनसीईआरटी की टीम और सीएम फ्लाइंग की जो टीम है संयुक्त तौर पर आज उन्होंने एक अभियान चलाया। उस अभियान के तहत करीबन आधा दर्जन दुकानों पर नकली जो किताबें थी वो पाई गई और अब गुरुग्राम पुलिस इस मामले की गहनता से जांच कर रही है और गुरुग्राम पुलिस ने मामला दर्ज भी कर लिया है क्योंकि लगातार जो बच्चों के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा था और ऐसे में कहीं ना कहीं गलत जो किताबें थी वो दुकानों पर रखी गई थी और उनको कहीं ना कहीं मार्केट में बेचा जा रहा था और इसी के चलते कहीं ना कहीं पिछले कई दिनों से लगातार एनसीईआरटी को शिकायत मिल रही थी कि उनकी जो बैच की किताबें हैं कहीं ना कहीं वो बाजार में नकली मिल रही हैं और उसके कहीं ना कहीं अब शिकायत पर कार्रवाई करते हुए सीएम फ्लाइंग लगातार उन लोगों के ऊपर शिकंजा कसने का प्रयास किया और ऐसे में कहीं ना कहीं जो ये रेड है लगातार आगे भी गुरुग्राम के सदर बाजार के इलाके के साथ साथ अलग अलग हिस्से में चलाई जाएगी क्योंकि जिस तरीके से तो सदर बाजार में अब तक कितनी दुकानों पर छापा मारा गया है? गुरुग्राम के सदर बाजार में और ऐसे में हम बात करें तो सदर बाजार में लगातार जो किताबों की दुकान और साथ ही साथ स्कूलों के अंदर हम बात करें जो किताबें वो दी जाती है और ऐसे में अब हम कहीं ना कहीं देखें तो सीएम फ्लाइंग और साथ ही साथ एनसीईआरटी की जो टीम है वो गुरुग्राम के सदर बाजार पहुंची और उन्होंने जब वहां रेड की तो वहां पर नकली जो किताबें जो कि बिक्री की जा रही थी वो मिली और उसके बाद अब कहीं ना कहीं उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए संजय। तो देखिए कार्रवाई की गई है, अब आगे क्या होगा वो भी देखना होगा। फिलहाल कई दुकानें हैं ऐसी जिन पर रेड मारी गई है।